दशकों से सुनसान पड़ा बरारी मौज मंदिर का प्रांगण एक बार फिर तब जगमगा उठा जब कश्मीरी पंडितों ने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर मंदिर में हवन पूजन किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के मुर्रान गांव में स्थित बरारी मौज मंदिर और वहां मौजूद लोगों के लिए यह क्षण अद्भुत था। पुलवामा के प्रसिद्ध बरारी मौज मंदिर में आज लगभग 30 साल बाद माता के जन्म दिवस का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर जम्मू और देश के अन्य हिस्सों से आए कश्मीरी पंडितों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय कश्मीरी पंडित मंदिर में एकत्र हुए और हवन पूजन किया। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने भी इस धार्मिक समारोह में भाग लिया। 90 के बाद हमने ये पहली बार यहाँ पर महायज्ञ किया है। ये इस संदर्भ में कहें कि आज माता बरारीमा जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल हवन करते थे, लेकिन हालात नागुजर थे तो हम ये हवन नहीं कर सके। तो आज 40 साल के बाद हमने पहली बार माता के जन्मदिन पर यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया। यह बहुत अच्छा मौका देखने का, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे देखने का, बहुत अच्छी खुश हुआ दिल यहाँ पर। क्या कहेंगे इसके हवाले से? इसके बारे में यही कहूँगा कि मैं भाव विभोर हो गया जब यहाँ के मुस्लिम भाई हमारे पास आ गए। कल दिन अगर आप यहाँ होते, पूरा गाँव यहाँ आया था, तो जो आत्मीयता थी हमारी, जो हमारे रिलेशन थे, ऐसा लगा कि जैसे माइग्रेशन हुई नहीं है। तो इनका जो यहाँ पर सहयोग मिला, हमने अपने मकान रखे, उनने यहाँ पर जो टेंट वो फ्री एकोमोडेशन उन्हें अवेलेबल की, क्योंकि हमारे पास तो मकान है नहीं, तो उन्होंने हमारे लिए सब कुछ जो व्यवस्था करनी वो कर दी। हम उनके लिए उनका बहुत ही आभार प्रकट करना चाहते। इन्होंने हमको कल इन्विटेशन दी थी तो हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर हम बहुत प्रसन्न हुए कि आज 40 साल के बाद इस मंदिर में पूजा अर्चना हुई, यज्ञ हुआ और दूर दूर से लोग यहाँ पर पधारे। उन्होंने माँ का आशीर्वाद लिया और दुआ की माँ से कि यहाँ पर जो 90 के बाद जो माहौल थोड़ा बहुत ख़राब हुआ था, फिर से वही शांति आ जाए, भाईचारा आ जाए, जिसके लिए कश्मीर को जाना जाता था। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज यहाँ बहुत हिंदू मुस्लिम सिख देखने को मिल रहे हैं आपके पूजा में, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? मैं यहाँ पर आकर इतना प्रसन्न हूँ कि यहाँ पर जितना भी अरेंजमेंट, जैसे ये शामियाना लगा है, सुनने में आया है कि यहाँ के जो लोकल मुस्लिम्स हैं उन्होंने ये लगाया है। उन्होंने इनको कहा कि ये हमारी तरफ से है, और यहाँ के लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं इन्होंने इनको हर एक चीज़ में भरपूर सहयोग दिया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि कश्मीर में जितने भी धर्म स्थल हैं, चाहे वो मुसलमानों के हैं, हिंदुओं के हैं, सब मिलजुल कर, कश्मीरी पंडित और मुस्लिम सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाए। कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए यह हवन केवल एक अनुष्ठानिक कार्य नहीं था, बल्कि अपनी जड़ों की ओर एक मार्मिक वापसी थी, जो गहन भावनाओं और शांति और सुलह की उम्मीदों से भरा हुआ था। 1989 में गांव से पलायन करने वाले पंडितों की संपत्ति अभी भी वहां सुरक्षित है और वे उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में वे गांव छोड़कर गए थे। आज जब वे हवन में शामिल हुए तो गांव के मुसलमानों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया और गांव में दशकों बाद एक साथ धार्मिक आयोजन मनाने का पुराना माहौल दिखा। मुर्रान में इस तरह के समारोहों की बहाली उन समुदायों के बीच विश्वास को फिर से बनाने और ठीक करने की दिशा में एक कदम है जिन्होंने अलगाव और कलह का सामना किया है। देखिए, ये खुशी का मुकाम है। आज जो पंडित बरादरी हमसे दूर हो गई थी, जो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में रह रहे हैं इस वक्त, कोई जम्मू में रह रहा है, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, कोई बंगलोर में रह रहा है, इस वक्त ये फिर आगे हमारे आबाई, जो उनका आबाई वतन है, आबाई गांव है, यहाँ फिर ये आगे हवन करने के लिए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। इस वक्त हर घर में अगर आप जाओगे, हर घर में खुशी होगी, हर घर में इस वक्त सही महीनों में, मैं सही महीनों में कहता हूँ, मैं हकीकत कहता हूँ, हर घर में इस वक्त ईद होगी। कल से पिछले 3 दिनों से ये यहाँ आए हुए हैं, हर घर जो भी घरों में इस वक्त रह रहे हैं, काम को नहीं जाते बल्कि यहाँ आते हैं उनके साथ मुलाकात करने के लिए। ये लगभग 40-50 साल के बाद यहाँ हवन हुआ, इसके बगैर भी यहाँ फंक्शन हो रही थी पहले भी, 90 से पहले यहाँ हर कोई ना कोई हैरत पर फंक्शन होती थी, कोई भी उनका बड़ा दिन होता इस पर फंक्शन यहाँ हुआ करती थी। मुसलमान कम्युनिटी और पंडित कम्युनिटी इकट्ठे यहाँ होते थे। मैं बचपन के तौर पर भी यहाँ बहुत बार आया हूँ यहाँ देखने के लिए, यहाँ उनके जो फंक्शन है उनमें शामिल होने के लिए, और आज जो ये फंक्शन हो रही है 30-35 साल के, जब से 90 के बाद
मेरे पहली बार यहाँ आ रहे हैं, जो हम यहाँ जो पंडित कम्युनिटी है जो यहाँ रह रही थी, आज पहली बार यहाँ आ गए। आज वो फिर दिन देखने को मिल रहा है, आज वो फिर वो दिन देखने को मिल रहा है जो 90 से पहले वो दिन थे, जब हैरत हुआ करती तो हम उनके घरों में मुबारकबादी के लिए जाते थे, और जब ईद होती थी हमारे घरों में ईद मुबारक के लिए आते थे। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जब ये बरारी मौज जिस मंदिर पर हम इस वक्त खड़े हैं, मैं अल्लाह से भी ये दुआ करता हूँ, और शायद वो वक्त अब आने वाला है कि हम फिर पंडित हमारे ईद के मौके पर हमारे घरों में होंगे, और हैरत के मौके पर हम मुस्लिम कम्युनिटी उनके घरों में होंगे, मुबारक के लिए जाएंगे।